स्वागत है दोस्तों आपका अनंत के गार्डन में। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था होम ग्रोन वेजिटेबल के लिए, तो मैं आज आपको दिखा रही हूँ किस तरह से लगाती हूँ मैं। ये देखिए, ये तो मेरे पास लास्ट ईयर की पड़ी है, इसमें से बीज निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह पैकेट्स लाकर बीज बो सकते हैं। ये मैंने एक गमला लिया है जिसमें कि मैंने गार्डन सॉयल, गोबर खाद और पत्तों की खाद इसमें मिक्स है। तो ये देखिए, आप इस तरह से छेद बना के इसमें, ये मेरे पास लौकी और तोरी के बीज हैं। इस तरह आप छोटा छोटा छेद बना के इसमें बीज लगाएंगे, कोई इसका उल्टा सीधा कुछ नहीं, बस बहुत नीचे नहीं लगाएंगे, थोड़ा ऊपर ही इसको इस तरह लगा के आप ऊपर इस तरह कर देंगे। और इसमें आप 4-5 दिन के बाद पानी देंगे। ये देखिए, ये मैंने एक हफ्ता पहले इसमें खीरे और खरबूजे के बीज लगाया था। ये देखिए, इसमें ये इतने छोटे छोटे से ये इसमें निकल आए हैं। अगर तो आपके पास ज़मीन है तो आप इसको इस टाइम निकाल के नीचे लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसी में ही रहने दीजिए, थोड़ा इसको और अलग अलग कर लीजिए। ये देखिए, इसको करीबन 10-15 दिन हो गए हैं। ये इसमें एक लौकी की बेल लगाई हुई है मैंने। अब ये देखिए, इसमें मैंने एक जुकीनी का प्लांट लगाया हुआ है। ये देखिए, इसको करीब 2 महीने हो गए हैं। ये देखिए, नीचे इसमें ये एक जुकीनी लगेगी, जब थोड़ी बड़ी होगी तो मैं इसकी आपको दिखाऊंगी। इसी तरह मैंने और कुछ पौधे लगाए हुए हैं सब्जी के। ये देखिए, ये है मेरे पास, ये एक तरह की पालक है, ये कोई बाहर की पालक है, ये इसी तरह ये इस प्लांट लगता है इसका। और एक ये मैंने इसमें मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं। ये देखिए, इसमें मिर्च लगी हुई है। ये देखिए, और मैंने इसी तरह ये एक गमले में करेले की बेल लगा रखी है। ये बेल इसी तरह ऊपर चढ़ जाएगी, ये देखिए ग्रिल पे चढ़ जाएगी ये। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप थोड़ा छोटे प्लांट को ही नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह गमलों में लगाइए। इसको डेली पानी दीजिए और हफ्ते 10 दिन में इसमें थोड़ी सी गोबर खाद डालिए और इसमें गुड़ाई कीजिए 2-4 दिन के बाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिए। वैसे मेरे पास थोड़ा सा ज़मीन है नीचे, तो मैं उसमें भी दिखाऊंगी आपको कि किस तरह मैंने अपने गार्डन में और सब्जियां लगाई हुई हैं। थैंक यू।